एकदम स्वर्ग से उतरी कोकिल कंठी अप्सरा लग रही है। सो बचपन से ही मुझे आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहा है। जब मैं अपने स्कूल में थी तो मैं क्राफ्ट में सबसे आगे रहती थी, मतलब मुझे सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट आता था इसमें। और ये ऐसी चीज़ थी कि मैं रात में सात आठ आठ घंटे बैठ के बहुत सारे क्राफ्ट्स करती थी और दो घंटे सो के फिर स्कूल चली जाती थी। मतलब क्राफ्ट में मुझे पहले से ही बहुत मज़ा आता है, मुझे बहुत सेटिस्फाइंग लगता है, स्ट्रेस रिलीव होता है। और यू नो, मतलब एक ऐसी चीज़ है जिसे मुझे मेहनत करने से बिल्कुल डर नहीं लगता। मुझे अगर मैं बीमार हूँ तो भी मैं क्राफ्ट कर सकती हूँ, मुझे नींद आ रही है तो भी मैं क्राफ्ट कर सकती हूँ। सो दिस इज़ समथिंग दैट आई रियली रियली इन्जॉय। और एक हॉबी ऐसी सबके पास होती है जो कि सब लोग इन्जॉय करते हैं, एंड माइन इज़ आर्ट एंड क्राफ्ट। तो मैंने ये पुरानी शैम्पेन की बॉटल ली है जो दिवेश मेरे बर्थडे पर लेके आया था, तो मैंने इस पे से जितनी पैकिंग थी वो उतार ली है, रफली उतारी है, ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि हम एक सिंपल सी चीज़ बनाने वाले हैं। ऊपर से मैंने कर दिया है ये ब्लू कलर का स्प्रे पेंट। ये वाला पेंट मैंने अभी नहीं खरीदा, मैं दिवाली पे लेके आई थी। मैंने दिवाली पे गोल्डन कलर की कुछ चीज़ें बनाई थी घर में स्प्रे करके, तो इस तरीके से हम लोग ना दिवाली पे मैं और प्रिया मिलके कुछ चीज़ें बनाते थे। जब भी दिवाली होती थी कुछ डेकोरेशन की, कुछ DIY करके, मतलब बहुत मज़ा आता है। त्यौहार त्यौहार जैसा लगता है जब आप खुद अपनी यू नो मेहनत से कुछ बनाते हो और फिर घर सजाते हो, तो बहुत अच्छा लगता है। तो अभी मैं एक सिंपल सा कैंडल स्टैंड बना रही हूँ, तो यहाँ पर मैंने उसे अच्छे से स्प्रे कर लिया है और चारों तरफ से अच्छे से कोट किया है क्योंकि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये दिवाली का ही बचा हुआ था तो मैंने वही यूज़ कर लिया और अभी ये बहुत सारी चीज़ों पे स्प्रे हो सकता है। तो आने वाली वीडियोस में आपको बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने को मिलेंगी, स्पेशली फॉर होम डेकोर। और मैं अपने रूम का भी कुछ प्लान कर रही हूँ क्योंकि मेरी जो दीवार है ना वो बहुत बोरिंग हो चुकी है, इट्स वेरी डार्क एंड ओल्ड। तो उस पर भी कुछ डिज़ाइन करते हैं, देखते हैं, क्योंकि पूरा पेंट तो मैं अभी चेंज नहीं करवा सकती, बट चलो लेट्स सी व्हाट आई कैन डू टू इट। और अभी मैं इसे अच्छे से कोट कर रही हूँ बिकॉज दिस इज़ द रियली इंपॉर्टेंट स्टेप। मैंने थोड़ा वेट करके यहाँ पर इस पर डबल कोटिंग की है जिससे कि कलर अच्छा आए और नीचे जो डार्क ग्रीन है वो ज़्यादा विजिबल ना हो, और ये मैट ब्लू कलर इस पर हो गया है लगभग। सो आई रियली लाइक द कलर टोन, मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है ये वाला। जब मैं इसे खरीद कर लेके आई थी तो भैया ने बोला था जैसे इसके ढक्कन का कलर ना स्प्रे पेंट के बिल्कुल वैसा कलर आएगा, बट ये उससे काफ़ी डिफरेंट है। द कलर इज़ रियली रियली नाइस। और ये मैं लाई थी लगभग 150 या 200 रुपये का, सिंपल पेंट वाली दुकान से मिल जाता है, आराम से आप खरीद सकते हो। इसमें सिल्वर, गोल्डन और बहुत सारे कलर्स अवेलेबल होते हैं, वाइट भी ला सकते हो, वाइट से बहुत अच्छा DIY। तो ये हमारी बॉटल रेडी हो गई है सूखने के बाद, और अभी मैं यहाँ पर ना कुछ डेकोरेशन भी करेंगे क्योंकि ये प्लेन तो इतनी अच्छी लगने वाली है नहीं। तो डेकोरेशन के लिए मैंने कुछ सामान रख लिया है यहाँ पे। मैंने ग्लूगन यूज़ करी है, ग्लूगन मैंने ली थी बहुत टाइम पहले अमेज़ॉन से, और यहाँ पर एक घर में पुराने फ्लावर्स पड़े थे तो उसमें से मैंने कलियाँ पत्ते निकाल लिए हैं और इसे हम डेकोरेट करेंगे उसकी हेल्प से। तो अभी मैं यहाँ पर असेंबल कर रही हूँ इस तार में। मैंने सबसे पहले लीव डाली है, फिर मैंने यहाँ पर बर्ड्स डाले हैं, उसके अलावा यहाँ पर और छोटे छोटे बर्ड्स भी थे मेरे पास, वो भी मैंने डाल दिए हैं, और एक बड़ा फ्लावर हम ऊपर से लगाएंगे। बस इस तरीके से सिंपली इसको हम डेकोरेट कर लेंगे, बहुत आसान है इसको लगाना एंड इट इज़ गोइंग टू लुक वेरी वेरी प्रिटी। तो कलर बहुत अच्छा लग रहा है ब्लू, तो मैंने सबको असेंबल कर लिया है अच्छे से। तो आप भी कोई पुराने फूल इस तरीके से लेके उन्हें इकट्ठा करके पत्ती वगैरह और आप बना सकते हो, इसमें आपको कोई इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने इसको ग्लूगन की हेल्प से स्टिक कर दिया है, ग्लूगन को गर्म किया, लगाया, और ऊपर से मैंने जो ये असेंबल किया था फ्लावर वाला पूरा जो मैंने बुके बनाया था छोटा सा वो लगा दिया है ऊपर से, एंड उसको अच्छे से लगा रही हूँ मैं यहाँ पे क्योंकि हमें पत्तियाँ वगैरह सब अच्छे से सेट करने की ज़रूरत है। थोड़ी सी अच्छी लगती है अगर थोड़ी पत्तियाँ खड़ी रहें, कुछ बैठी रहें, तो मैंने हल्का हल्का पीछे की तरफ किसी किसी में लगा दिया, तो इस तरीके से वो काफ़ी रियलिस्टिक फील आता है, वरना बहुत चिपका चिपका और फ्लैट लगने लगता है, तो वो हमें यहाँ पर नहीं करना है। और ऊपर से मैं एक पिंक फ्लावर और ऐड कर रही हूँ इसमें कलर ऐड करने के लिए क्योंकि ये वाइट और ब्लू ही हो रहा था, तो मैंने एक हल्का सा पिंक फ्लावर और ले लिया, तो ये इसमें एक अच्छा सा एस्थेटिक कलर ऐड कर देगा। और ऊपर से ये पुरानी मेरे पास एक सुतली पड़ी हुई थी उसको मैंने यहाँ पर बांध दिया है, उसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा क्यूट लगने वाला है क्योंकि ये बहुत प्लेन और बेसिक लग रहा था नीचे से, तो मैंने ये बांध के इसको एक डिफरेंट सा लुक दे दिया है, इट लुकिंग सुपर सुपर क्यूट। और आप चाहें तो इस पर वाइट कलर भी कर सकते हैं, बहुत अच्छा लगेगा, बट मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं था तो मैंने ब्लू कर दिया, ब्लू भी मुझे काफ़ी डिसेंट लग रहा है। तो गांठ लग गई है हमारी, बहुत प्यारा सा मैंने बो बनाया है सिंपल सा। और एक और बर्ड पड़ी हुई थी मेरे पास जिसे मैं यहाँ पर अटैच कर रही हूँ अंदर की तरफ क्योंकि ये थोड़ा सा मुझे और फ्लैट लग रहा था, तो अब ये ज़्यादा बेटर लग रहा है। ओके, तो ये तो हमारा बुके तो रेडी हो गया इस पे लग के। अब मैंने ये एक छोटा सा क्राफ्ट का मैं बहुत पहले लेके आई थी, अब मुझे तो कहीं मिला नहीं उसके बाद ये, बट आई थिंक ये अमेज़ॉन पर मिल जाता है, उसमें से मैंने थोड़ा सा पोर्शन काट के ऊपर टॉप पर लगा दिया क्योंकि वो इतना ज़्यादा टाइट नहीं लग रहा था और अब लगाने के बाद ज़्यादा सुंदर लगा मुझे। तो मैंने ग्लूगन से उसको भी सिक्योर कर दिया है अच्छे से, ग्लूगन बहुत जल्दी सूख जाती है, दिस बेस्ट पार्ट। और अब एक कैंडल के नीचे हल्का सा फॉइल लगा के मैंने उसको इंसर्ट कर दिया है बॉटल में, और हमारा कैंडल स्टैंड एकदम रेडी है, बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा है ना देखने में। और अब मैंने इसे लाइटन अप कर दिया, इट लुकिंग सो सो प्रिटी। तो इस तरीके से आप बहुत सारी बची हुई पुरानी बॉटल से इस तरीके के क्राफ्ट्स बना सकते हो, बहुत ज़्यादा क्यूट लगता है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, तो आज का दिन थोड़ा सा बेटर है कल से। कल मेरी तबीयत खराब थी आई थिंक, कल मैंने ब्लॉग भी नहीं बनाया पूरा दिन,
और मुझे हेडेक था काफ़ी ज़्यादा, आँखों में दर्द था, अभी भी हल्का फुल्का है बट क्योंकि मैं दो रात से सोई नहीं थी, सो आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड दैट। लेकिन फिर भी मैंने रात में ब्लॉग अपलोड कर दिया था। आज मैं बनाने वाली हूँ राजमा चावल। सो पिछली बार जो मैंने राजमा बनाया था उसमें टमाटर खत्म हो गए थे बट आज फाइनली है, सो लेट्स मेक इट। आज मैंने रात में ही ना मूंग की दाल जो मोटी वाली होती है साबुत वाली वो भिगो दी थी और आज भी भिगोया था। चलो जल्दी से बनाते हैं। तो रूरू का सामान है जिससे रूरू रात में खेलती है और सब ऐसे पड़ा हुआ है अभी भी। चलो इसे उठाते हैं जल्दी। तो कल रात में ही मैंने यहाँ पर मूंग की दाल और राजमा को भिगो दिया था अच्छे से। इसमें आधी कटोरी राजमा है और लगभग आधी कटोरी से थोड़ी सी ज़्यादा मूंग की दाल है, तो एक अच्छा प्रपोर्शन बन जाता है। उसमें मैंने नमक डाल दिया है और ये लगभग मैंने 7-8 घंटे भिगोया पानी डाल के। इसमें लगभग आधा इंच पानी ऊपर और डाला एक्स्ट्रा और उसको बंद करके कुकर में रख दिया है। अब हम बनाएंगे इसका मसाला। प्याज ली है, टमाटर ली है, सौंफ है, लौंग है और थोड़ा सिनेमन ली है और इसमें लहसुन है, हरी मिर्च है और अदरक है। अब मैंने ऑयल डाल दिया है। ऑयल में डाल दिया मैंने यहाँ पर जीरा और थोड़ा सा हींग और ऊपर से जो पेस्ट बनाया है मैंने सबको मिला के वो डाल दूँ। इट्स अ वेरी बेसिक रेसिपी बट बहुत अच्छी बनती है। और टमाटर मैंने इसमें अच्छे खासे डाले तो टेस्ट काफ़ी अच्छा आया और ये भी उबल के रेडी हो गया। हमारा मसाला भी रेडी हो गया। इसको मैंने पकाया मसाले को 15-20 मिनट और उसको मिला दिया अच्छे से अपने राजमा में। अब मैं बना रही हूँ क्योंकि आज मम्मी का व्रत था आलू का हलवा, क्योंकि वो खाना नहीं खाएंगी मुझे अभी पता चला, तो मैं इसलिए उनके लिए बना रही हूँ। मैंने आलू उबाल के अच्छे से उसको मैश कर लिया है। कढ़ाई में डाला है घी और जैसे ही हमारा घी मेल्ट हो जाएगा ऊपर से हम डाल देंगे मैश करा हुआ आलू और उसको मिक्स कर दूंगी अच्छे से। अब हम इसे भूनेंगे लगभग 15 मिनट के लिए कम आंच पर, क्योंकि यही ब्यूटी है इस हलवे की, जितना भूनेंगे उतना अच्छा बनेगा। तो मैंने लगभग 15 मिनट इसको सिम करके भूना है बहुत अच्छे से। ऐसे मैंने इसको मैश करते हुए भूना है बहुत सही तरीके से और ये काफ़ी अच्छा बनता है। इसका बस हमको कलर चेंज करना है। आलू थोड़ा सा हल्का सा यू नो गोल्डन हो जाना चाहिए। जब ये गोल्डन हो जाएगा तो इसकी निशानी है कि ये अच्छे से हो चुका है और बिल्कुल मोम जैसा हो जाता है कंसिस्टेंसी। तो मैंने हल्का सा घी और डाला, मुझे कम लग रहा था। और अब मैं डाल रही हूँ कटे हुए बादाम और थोड़े से काजू, उनको भी भूनेंगे लगभग हम 2-3 मिनट के लिए। तो हमारे सारे ड्राई फ्रूट्स भी भुन जाएंगे और आलू भी दोबारा भुन जाएंगे थोड़ी देर के लिए, तो फ्लेवर काफ़ी अच्छा आएगा। अब ऊपर से मैंने इसको दोबारा से मैश किया थोड़ी बहुत जो चीज़ें थी, और इसमें डाली है लगभग एक छोटी कटोरी चीनी, थोड़ी सी भिगोई हुई किशमिश और इसको पानी डालकर चलाया है अब थोड़ी देर के लिए। इसको भी लगभग 5-6 मिनट लगते हैं। मैंने पानी थोड़ा ज़्यादा डाल दिया था, थोड़े कम पानी में भी काम हो जाता बट ये यू नो काफ़ी एक अच्छा फ्लेवर देता है। मीडियम आंच पर ही कुछ इस तरीके की कंसिस्टेंसी का हो जाता है। जब आप इसे तोड़ते हो ना बहुत स्मूथ रहता है और बहुत अच्छी शेप ले लेता है बिल्कुल चम्मच की। तो इसमें घी भर भर के डलता है बट इट्स वेरी टेस्टी। व्हेन रूरू वेक्स अप तो मम्मा सेज एकदम स्वर्ग से उतरी कोकिल कंठी अप्सरा लग रही हैं आप। बेबी और कुछ दबा दे, तो बिल्कुल अपनी पापा जैसी टी शर्ट पहनी है लुलू ने। यू स्माइल व्हेन यू सी द कैमरा, हां स्मॉल बेबी है। चलो दादी पास, चलो दादी सीरियल देख रही है नीचे, दादी के पास चलते हैं। डॉडी मैं आ रहा हूँ डॉडी। बेबी मम्मी पापा हैं, चलो मुझे नींद आ रही है भाई। नो नो आज तुमने बिल्कुल पापा जैसी टी शर्ट पहनी हुई है अपने सेम डिटो। रुक टीट टीट करो भाई, टीट 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 थूकना नहीं है भाई, टीट 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 टीट। पापा के शर्ट मेरे नहीं तुम्हारे, टीट का है टीट। अली बा वेरी गुड गुड गर्ल।